तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात अगर हम करते हैं, हम जस्ट इसका क्विक ओवर रिव्यू करेंगे। और आप जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन बेसिक स्टेट्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस है, और एक हमारी स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। अब सॉलिड जो है उसके बारे में भी आप जानते हैं, लिक्विड के बारे में भी जानते हैं। हम यहाँ पर उनकी डिटेल टॉपिकल या टॉपिक्स की डिस्कशन नहीं करेंगे। हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, तो वो गैसेस में सबसे कम है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम शेप की बात करते हैं तो सॉलिड की होती है, लिक्विड गैस की नहीं होती। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपके पास सॉलिड का कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड और गैसेस जो होती है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है जर्नल की आप लोग जानते हैं। इसको अगर कोई पढ़ना चाहते हैं ना, तो पार्ट वन के तीसरे चैप्टर के अंदर आप लोग हल्की फुल्की सी उन प्रॉपर्टीज को एक बार रीड कर लें। दैट्स इट। हम चलते हैं डायरेक्टली अपने सिलेबस की तरफ, जिसमें गैसेस का जिक्र आ रहा है। इस गैसेस के सबसे पहले कुछ लॉज हैं, जो लॉज हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब आप वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं प्रेशर के साथ, तो वो एक इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर मैं प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करूं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। आप ये भी जानते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। दूसरा लॉ हमारे पास जो आ जाता है वो है चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ हमें क्या सिखाता है? चार्ल्स लॉ हमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आपके पास वॉल्यूम बढ़ता जाता है, जिसको दूध जैसे आप बॉयल कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि V/T जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये बिल्कुल जनरल चीजें हैं, एफएससी मैट्रिक वाली। और फिर आप यहाँ से ये भी जानते हैं कि इन दोनों की जो रेशियो होती है V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है चार्ल्स लॉ में कि हम जो टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम टेम्परेचर को 0 डिग्री पे ले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? जी, एनी वन ऑफ यू? जी सर वॉल्यूम आई थिंक सर बड़े पॉइंट तो नहीं रहेगा नहीं, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम जी करते सर हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। कम फॉर होता है पूरी एग्जाम्पल, फ्रीज होना इसका जो स्टार्ट होता ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ओरिजिनल वो वाला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम क्या होगा? सर 0.16 dm³ आई थिंक इसी तरह से है, मतलब ये वॉल्यूम की 0 नहीं हो सकता। जी, कोई और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे? ये सर बड़ा उसको जितना वॉल्यूम होगा उतना ही रहेगा, अब सर जो जैसे नॉर्मल ऐसे वॉल्यूम होता है वो ऐसा तो भी नहीं हो रहेगा। सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं कहता हूँ मेरे पास वाटर है, H2O 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस है, लेकिन जैसे ही मैं 100 से नीचे आता हूँ सपोज वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जब मैंने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया तो उस गैस का वॉल्यूम 0 हो गया। अब वो लिक्विड बन गया, उसका गैशियस वॉल्यूम 0 हो गया। जब हम लिक्विड में आते हैं तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम होता है। तो बताएं किस टेम्परेचर पे जाके वॉल्यूम जो है, यानी आपके पास जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या वॉल्यूम 0 हो जाएगा? नो सर सर वॉल्यूम 0 नहीं होता वॉल्यूम 0 नहीं होता, तो वॉल्यूम कब 0 होता नहीं होगा है? सर एब्सोल्यूट ये 0 पे वो किसी चीज पॉइंट। नहीं होता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जब टेम्परेचर 0 डिग्री है तो वॉल्यूम को 0 नहीं कर सकते। इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू यूज डिग्री सेल्सियस एज अ टेम्परेचर स्केल वेन एवर वी आर डीलिंग विद गैसेस एंड वी आर फॉलोइंग द चार्ल्स लॉ। बिकॉज अगर आप उसको 0 कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस 0 नहीं होता। तो फिर क्या किया गया था? फिर आपको याद होना चाहिए, ऐसे हल्की सी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गैसेस को उन्होंने टेस्ट किया। जब उन्होंने मुख्तलिफ गैसेस को टेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री पे
H2O के वेपर्स थे, जब हमने कम किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे वो गैसेस को कम करते गए, 0 डिग्री पे आए, फिर वो -100 पे आए, -200 पे आए। तो आपने देखा कि उनका जो पास जो ग्राफ था वो ऐसे काम आता गया, मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर उनके वॉल्यूम जीरो होते गए, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट होती गई। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम फ्रिज थी सपोज कर लें, उसका टेम्परेचर था -200 डिग्री सेल्सियस, इससे कम वो नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया और एक्स्ट्रापोलेट करके उनको एक टेम्परेचर मिला यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं कि इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। और ये टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट जीरो -273.16 डिग्री सेल्सियस है। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बिकम जीरो, यानी आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा जो मुश्किल से लिक्विड बनने वाली गैस है वो है हीलियम। हीलियम भी लिक्विफाई हो जाती है इस टेम्परेचर पे जाकर, यानी हीलियम का भी जो टेम्परेचर है, जब आप -273 ये है हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट, -271 point something, ये वो टेम्परेचर है जहां पर आपके पास जो हीलियम है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीलियम जैसी गैस को भी लिक्विड बनाना हो, उसका वॉल्यूम जीरो करना हो, तो -273.16 वो टेम्परेचर है, याद रखिएगा, जहां पर मोलेक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती, वाइब्रेशंस भी जो होती है ना वो भी स्टॉप हो जाती है, यानी वाइब्रेशन वाइब्रेटरी मोशन भी खत्म हो जाता है। इसीलिए फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि आप इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव दिस टेम्परेचर, ये अचीव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर एक स्केल डेवलप करते हैं कि आपके पास -273.16 वो टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, यानी दुनिया की किसी के गैस का वॉल्यूम जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर। इसी तरह जब आप जीरो पे जाते हैं तो वो 273, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि टेम्परेचर इन केल्विन और सॉरी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन, फिर यहां पर 273 आ गया और ये जीरो आ। तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है बात, ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को जी? किसी को मैं ये कह रहा हूं कि -273.16 वो टेम्परेचर होता है जहां दुनिया की हर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर नहीं है जहां वॉल्यूम जीरो होता है, बल्कि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम जीरो होता है। इसका मतलब जब तक आप लोग 0 डिग्री तक आते हैं तो आप 273.16 केल्विन क्रॉस कर गए होते हैं, इसीलिए आप गैस की जितनी कैलकुलेशंस करते हैं वो केल्विन में करते हैं, सेल्सियस में नहीं करते। V1 by T1, V2 by T2 वेरीफाई तब होता है जब आपका टेम्परेचर डिग्री केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में होता है, इस पर डिग्री का नाम डिग्री का साइन नहीं आता। एनीबॉडी किसी को पता है कि डिग्री का साइन क्यों नहीं लिखते? हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट लिखते हैं, केल्विन पर डिग्री क्यों नहीं लिखते? एनीबॉडी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू? सॉरी सर। देखिए मैं कहता हूं -100 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं +100 डिग्री,
हम कह रहे हैं एक पूरा साइकिल हो रहा है फॉरेनहाइट में, -40 डिग्री फॉरेनहाइट, +40 डिग्री फॉरेनहाइट, ये प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पे डिग्री का साइन नहीं आता, सर्कल पूरा नहीं हो सकता। बात समझ आई है भाई? मतलब जी सर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ लेना कि वो सर्कल नहीं पूरा कर सकता ना, आप कभी नेगेटिव केल्विन में नहीं लिख सकते। खैर दैट इज अनदर स्टोरी, दैट्स अ बिग स्टोरी, ये भी एक। खैर चले, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और ये आपके सामने सारी सिचुएशन। इसके अलावा हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम लोग एवोगैड्रोज लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोज लॉ जो है वो कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी आप जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता जाता है, यानी सिंपल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, और ये आपके पास एक लॉ है। अगर हम इन सारे लॉज को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं जनरल गैस इक्वेशन। अब ये जनरल गैस इक्वेशन क्या है? एवोगैड्रोस लॉ में उसका टेम्परेचर और प्रेशर का क्या सीन होगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेंगे या एंड प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, ये आप जानते हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी उसको लॉ को, जो हमारे पास वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर आप ये भी जानते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को खत्म करते हैं ये प्रोपोर्शनल, तो वी इज इक्वल टू आर एन टी डिवाइडेड बाई पी, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एन आर। ये है जनरल गैस इक्वेशन। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को पता, और हमने डिटेल में ऐसा जाना भी नहीं। इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ। ये रियल गैस पे जाने का सफर क्यों हुआ था, तो देखें ये मेरे पास ग्राफ है और मैं कहता हूं कि जब मैं पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी करता हूं, यानी पीवी डिवाइडेड बाय एन आर टी करूंगा, तो इसका आंसर वन है, यानी यूनिटी फैक्टर है। यूनिटी फैक्टर का मतलब है जो मर्जी प्रेशर हो जो मर्जी वॉल्यूम हो, जब एन आर टी से डिवाइड करेंगे तो आंसर वन हो जाएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसकी एक वैल्यू आ गई, इसका एक समझ लें ये इसकी ग्राफिकल लाइन आ गई। अब हमारे पास दुनिया की कोई भी गैस हो जिस मर्जी टेम्परेचर या वॉल्यूम पर हो उसके अंदर यही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को क्या मिला, जब हम लोगों ने रियल गैसेस इस इक्वेशन में पुट की तो वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रही थी, कुछ वैल्यूज यूं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रही थी। इन्हीं वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही थी, सिर्फ वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपके पास इस तरह से मौजूद थी। जैसे मेरे पास अमोनिया है, जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा डेविएशन कर रही थी हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये प्रॉब्लम थी कि ये क्यों हो रही है। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 2 एटीएम का है, चले हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई सबसे पहले। अब यहां से हम लोगों ने ड्राइव करना है कि एक्चुअल में क्या चीज थी,
एक्चुअल में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें और प्रेशर को कम कर दें तो अब क्या इफेक्ट आएगा, तो कुछ इसी तरह का देखा गया। इसी तरह का एक ग्राफ मजीद ड्रॉ करेंगे हम लोग, और उस पे हमने देखा कि उसी तरह से अगर हम लाइंस बनाएं और अपनी गैसेस को चेक करें, तो जब हमारा टेम्परेचर हाई था और प्रेशर लो था, यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, जब ये दोनों चीजें थी तो गैसेस ने 100% तो नहीं लेकिन उनकी डेविएशन कम हो गई। सॉरी, जो डेविएशन बहुत ज्यादा आ रही थी वो डेविएशन आना कम हो गई थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की डेविएशन भी कम हो गई थी, यानी हीलियम गैस आइडियल के बहुत करीब चली गई थी, हाइड्रोजन गैस आइडियल के बहुत करीब चली गई थी। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो उन्होंने देखा कि आपके पास गैसेज आइडियली बिहेव कर रही होती हैं, यानी आइडियल की तरफ बिहेवियर होता है जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, और जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो वो नॉन आइडियल होती है। इसका मतलब इस इक्वेशन में कोई फॉल्ट है, और क्या वजह है कि ये ग्राफ प्रॉपर नहीं आ रहा? तो ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन थी। ये बातें समझ आ गई यहां तक? जी सर, एक मिनट सर, मैं सारे लेक्चर को अरेंज कर लूं। जी, तो यहां से हमारे पास कुछ जो सिचुएशंस आ जाएंगी उनको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पर आनी है करेक्शन कि ऐसा जो सब कुछ हुआ है ये क्यों हो रहा है। तो यहां से हम लोग रियल गैस इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। अच्छा, रियल गैस इक्वेशन जो है उसमें एक थ्योरी आती है, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उस गैसेस के सारे पॉइंट तो नहीं मैं बताऊंगा, वो आप लोग डेफिनेटली खुद भी पढ़ सकते हैं, जिस आपने दो तीन पॉइंट्स पे फोकस करना। रियल गैस इक्वेशन में एक चीज ये सिखाई गई थी, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो कह ये रहे हैं कि आपके पास जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आइडियल की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले एलिमेंट को खत्म कर दें। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला एलिमेंट खत्म करना क्यों जरूरी है या क्यों जरूरी नहीं है?
मैं इसको अरेंज कर लूँ, मेरे पास जगह बचे, अगले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जो रियल गैस इक्वेशंस थी उसमें एक पोस्टुलेट ये था। अब इसका मतलब क्या है, देखें, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फर्क आता है प्रेशर के ऊपर। अब इससे प्रेशर कैसे करेक्ट होता है, देखें, एक ये बॉल है हमारे पास, लेट करें कि एक बॉल है, हम यहां लेट कर देते हैं, ये मेरे पास कोई बॉल है, गैस का मॉलिक्यूल है, बॉल लाइक, और इसने स्ट्राइक करना है इस वॉल के साथ। अब इसने इस वॉल के साथ स्ट्राइक करना है, देखे जी इसका कोई आ रहा है और ये यूं इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इसका मतलब इसकी कोई यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगी, और हम कहेंगे कि जो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दैट यूनिट एरिया, जब ये यहाँ आएगा इससे टकराएगा तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। अब फर्ज करें कि आपके पास जो ये वाला बॉल है इसके पीछे एक और मॉलिक्यूल है, यानी इस मॉलिक्यूल के पीछे एक और मॉलिक्यूल है, सपोज कर लेते हैं ये वाला, अगर आइडियल सिचुएशन माने तो इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, और ये फोर्स यहां लगा रहा है, इसका मतलब इसकी अट्रैक्शन है। अब जब इसकी इसके साथ अट्रैक्शन है, और फर्ज करें कि ये मॉलिक्यूल जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये वाली है, बच्चा आपको खींच रहा है इस तरफ और आप बच्चे को खींच रहे, नहीं बेटा वो चीज नहीं लेनी, आप उसको अपोजिट की तरफ खींच रहे हो, तो क्या इसका वो प्रेशर इस पर लग सकेगा, ये प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर कभी भी हमारा आइडियल नहीं होता, प्रेशर जो है ना हमारे पास वो कभी भी, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, कि वो जो फोर्स लगनी थी वो कम हो गई है, तो हम ये मानते हैं, ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, जी सर, कि हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्रेशर है, फर्ज कर लें हमारे पास एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ए, एक के मॉलिक्यूल्स हैं बी, और इनकी जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन है वो है वी इन दैट वॉल्यूम, तो जो हमारे पास रिड्यूस प्रेशर होता है ना पी बार, वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स होते चले जाएंगे आपके पास रिड्यूस प्रेशर उतना ज्यादा होता जाएगा, और जितना खुला वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल इजीली मूव करेंगे, जितना कम वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल उतनी मुश्किल से मूव करेंगे, ठीक हो गया, इसको आप यूं भी कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, फर्ज कर लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा yes, तो अब ये जो है इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओपन करें तो यहां से याद रखिएगा ये आ जाता है पी बार इज इक्वल टू ए
एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बिकॉज एन ए एन बी के बराबर हम लोग लेट कर रहे होते, तभी वो इक्वल अट्रैक्शन होगी ना। अगर एन बी ज्यादा हो या एन ए ज्यादा हो तो फिर अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी जो इसमें चीज है वो आप लोगों ने याद रखनी है, और ये हमारे पास रिड्यूस प्रेशर है। और यहां से हम इसकी याद लिख देते हैं, P bar is directly proportional to concentration of A and concentration of B. तो यहां पर याद रखिएगा जो हमारा प्रेशर होता है ना वो कम हो रहा होता है, प्रेशर आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू वो प्रेशर जो वो लगा रहा है इसके ऊपर ये वाला प्लस P bar, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है प्रेशर करेक्शन। ये बात समझ आई आप लोगों को? जी सर आ गई। अच्छा, आज जब हम बात करेंगे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में हम जानते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब देखें आपका टेम्परेचर हाई होगा और आपका प्रेशर लो होगा, मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख लेते हैं, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी सर, कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो आपके पास गैसेस आइडियल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर हम कहें टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर ज्यादा कर दें तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये आपके पास प्रेशर करेक्शन है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अगर हमें ये बात समझ आ रही है तो यहां से हम लोग अपना वॉल्यूम करेक्शन की तरफ चलते हैं। हम वॉल्यूम करेक्शन में क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को करेक्ट करेंगे। वो कैसे? देखें, हमने कहा कि जब हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बहुत दूर है, अब ये बात जरा तवज्जो से सुनने वाली है, ये भी रोटेशन कर रहा है, ये देखें ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है और ये मॉलिक्यूल भी ऐसे मूव कर रहा है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जितना वॉल्यूम इन्होंने कवर किया हुआ है उस वॉल्यूम के अंदर से गैस नहीं गुजर सकती। अब जब आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है, ये दो सिचुएशन बना लेते हैं, ये हमारे पास दो सिचुएशन। जब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, इसका मतलब इंडिविजुअल वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पे ये जैसे वॉल्यूम है, एक कमरे में दो लोग खड़े हैं और गुजरने के लिए पूरा कमरा मौजूद है, तो मॉलिक्यूल हर जगह से तो गुजर सकते हैं, लेकिन जहां पर ये मॉलिक्यूल खड़ा है उस जगह से नहीं गुजर सकते, ऐसे गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया होगा। अब इतनी ज्यादा स्पेस होगी तो हम इतने से वॉल्यूम को बिल्कुल भी खातर में नहीं लाएंगे, हम कहेंगे इंडिविजुअल गैस वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। लेकिन जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो के यहाँ पे टेम्परेचर कर लेते हैं 100 डिग्री और यहाँ टेम्परेचर कर लेते हैं 0 डिग्री, तो अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, तो अब उनका गुजरना वैसे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो करेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका वॉल्यूम है V free
कितना वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल है, ये डिपेंड करेगा आपके वेसल का वॉल्यूम कितना है माइनस ये बी कितना है। बी क्या है आपके पास? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ये आज तक लोगों को समझ नहीं आई है कि ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक्चुअली है क्या। इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेना तवज्जो से। ये देखें, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है ना, तो ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई किए हुए। जब मैं टेम्परेचर को लो करूंगा, प्रेशर को ज्यादा करूंगा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये अब ये मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है और ये मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, तो ये सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये देखें, ये बात समझ आ रही है? ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जब ये घूम रहे हैं, जब ये इंडिविजुअल घूम रहे थे, अकेले अकेले घूम रहे थे, तब इन्होंने सिर्फ यही वाली स्पेस कवर की थी, इतनी सी। लेकिन जब ये इकट्ठे घूम रहे हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बी इज इक्वल टू फोर वी एम। यहां एन लगाते हैं जब नए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप लोग रियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो रियल गैस में हम प्रेशर की जगह लिखते हैं ये वाली वैल्यू, ये पी बार की वैल्यू। तो प्रेशर बराबर आ जाएगा पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। हम यह लिखेंगे पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। वी की जगह क्या लिखेंगे? वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जी आप लोगों के पास रियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको अगर डेरिवेशन आ जाती है तो आप लोगों ने इसको ड्राइव कर लेना।